तो वहीं नोएडा में बैंक मैनेजर से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, साइबर ठगों ने 6 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा था शख्स को। जालसाजों ने खाते से 52 लाख रुपए ऐच लिए हैं। अपराधियों ने खुद को क्राइम ब्रांच और सीबीआई ऑफिसर बताया। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। ये बड़ी खबर नोएडा से। पिछले दिनों में साइबर ठगी के 3 मामले इसी तरीके से सामने आ चुके हैं और पुलिस ने ठगों के बैंक खातों में 10 लाख रुपए भी फ्रीज करा दिए। तो आए दिन साइबर ठगी के ये मामले सामने आ रहे हैं। साइबर अपराधी नोएडा के लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। रिटायर अधिकारी, डॉक्टर, मैनेजर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर खास तौर पर साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं। ताजा मामला नोएडा के एक निजी बैंक मैनेजर से जुड़ा हुआ है। बैंक मैनेजर को साइबर अपराधियों द्वारा फोन किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनका नाम आने की बात कही गई थी। बैंक मैनेजर को साइबर अपराधियों द्वारा अरेस्टिंग वारंट भी भेजा गया जो जाली तरीके से बनाया गया था और बैंक मैनेजर को तकरीबन 6 दिन तक उसी के घर में डिजिटल अरेस्ट रखा और बैंक खातों से 52 लाख रुपए अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए। जेट एयरवेज के मालिक के केस में फंसाने की धमकी साइबर अपराधी लगातार देते रहे और खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर, मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का अधिकारी बताकर इस ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल बैंक मैनेजर की शिकायत पर नोएडा के साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिन बैंक खातों में पैसा गया था उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो डिजिटल अरेस्ट के 3 अलग-अलग मामले इसी तरीके से सामने आए हैं। एक मामले में आर्मी के रिटायर मेजर जनरल के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 2 करोड़ रुपए अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए और मेजर जनरल को 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ ड्रग्स के केस में फंसाने की बात कही थी। इसी तरीके से एक सीनियर सिटीजन महिला को भी 4 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और उनके बैंक खाते से 19 लाख रुपए की ठगी कर ली। उस महिला को भी एमडीएमए उनके कोरियर में भेजे जाने की बात कही थी, एक्सपायर पासपोर्ट उनके कोरियर में भेजे जाने की बात कही थी और डिजिटल अरेस्ट कर खुद को अलग अलग सीबीआई या पुलिस के अधिकारी बताकर इन ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। नोएडा की बात की जाए तो इस साल अभी तक करोड़ों रुपए की ठगी साइबर अपराधी कर चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दैनेन्द्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। तो वहीं नोएडा में यूपी का पहला मॉडल लेबर चौक बनाया गया है। लेबर के बैठने के लिए 26 लाख की लागत से शेल्टर बनाया गया है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अमित चौधरी की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के हर एक शहर में लेबर चौक होता है जहां से आप अपने घरों में काम कराने के लिए लेबर ले जाते हैं। ऐसे लेबर के लिए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने खास ध्यान रखते हुए उनको सुविधा मुहैया कराई हैं। हम नोएडा के बरोला में मौजूद हैं, सेक्टर 49 में। यहां पर जो लेबर चौक है उस लेबर चौक पर सैकड़ों ऐसे मजदूर हैं जो रोजाना अपने काम की तलाश के लिए घर से निकलते हैं और यहां पर खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को सुविधा देने के लिए ये शेल्टर बनाया गया है। इस शेल्टर में तमाम जो लेबर के लोग हैं वो यहां छाया में धूप से बचकर बैठ सकते हैं। उनके बैठने की व्यवस्था की गई है, उनके लेटने की व्यवस्था यहां पर की गई है और तमाम जो लेबर है वो सड़क पर खड़े रहने के कारण कई बार हादसों के भी शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लेबर के तमाम लोगों को पानी पीने की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। पहला जिला है जहां पर मॉडल लेबर चौक जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा इस चौराहे की अगर बात की जाए तो यहां पर सैकड़ों की संख्या में तमाम जो लेबर है वो आती है तो उनको फ्री में खाना देने के लिए कम्युनिटी किचन का भी पर व्यवस्था की गई है। कम्युनिटी किचन पे सुबह सुबह खाना बांटा जाता है और फ्री में तमाम लोगों को जो पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं या काम ना मिलने के चलते भूखे रहने की स्थिति रहती है तो ऐसे लोगों के लिए कम्युनिटी किचन का भी यहां पर प्रबंध किया गया है। जो टेंट लगा हुआ देख रहे हैं आप, इसी के अंदर सुबह सुबह तमाम जो भी लोग होते हैं उनको खाना बांटा जाता है और इस खाने मिलने के को लेकर तमाम जो लोग हैं तो इस बात से जरूर संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि उनके बैठने के लिए, खाने के लिए, पानी पीने के लिए और शौचालय के लिए तमाम जो इंतजामात हैं वो प्राधिकरण के अफसरों द्वारा किए गए। इस पहले लेबर चौक को भी बनाया गया, इसी तरीके से शहर के अन्य लेबर चौक को भी मॉडल किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेन्द्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और चलिए मथुरा से बड़ी खबर आपको बता दें जहां तेज रफ्तार